मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर सख्त कार्रवाई चाहता है देश। आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करने के लिए केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 42 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं और 78 करोड़ रुपए की योजनाओं की शिलान्यास। रामपुर क्षेत्र में सुनी जनप्रतिनिधियों की समस्याएं। विश्व साइकिल दिवस पर धर्मशाला में साइक्लोथॉन और जागरूकता अभियान रैली का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वायरलेस संचार के भावी उपयोगों में स्पेक्ट्रम की कमी को दूर करने की तकनीक विकसित करने में IIT मंडी के शोधकर्ताओं को मिली सफलता। शोधकर्ताओं ने कोऑपरेटिव स्पेक्ट्रम सेंसर का किया विकास। धर्मशाला में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मोत्सव रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया शुभारंभ। विश्व साइकिल दिवस पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा राजधानी शिमला में किया गया साइकिल रैली का आयोजन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दिखाई हरी झंडी। नगर निगम शिमला के पुनर्सीमांकन को लेकर आए प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का कांग्रेस ने किया स्वागत। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सत्ता में आने के बाद अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाने की कही बात। चंबा जिला में 7162 किसानों को मिल रहा किसान सम्मान निधि का लाभ। किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि उपकरण खरीदने में नहीं होती परेशानी। पर्यावरण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में चंबा जिला के युवा चित्रकार कैफ ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान किया हासिल। 5 जून को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कैफ को किया जाएगा सम्मानित। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दशमेश आस्थान साहिब नाहन में श्रद्धा के साथ मनाया गया सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस। इस मौके पर गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का हुआ आयोजन।